ये 520 सीसी है, 21000 चल चुकी है, इसको स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। देखो 220 एफ है, 2023 मॉडल है, ये देखो क्या हो रहा है, ये स्टार्ट हो गया ना, ये बंद हो जा रहा है, देखो 19 का रहा है, ये देखो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, ये बंद हो जा रहा है बार बार, ये कभी नहीं ले रहा है। इसका हमने टीपीएस सेंसर भी चेंज किया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, हमने इस रिले को भी चेंज किया, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, हीट अप सेंसर जो होता है इंजन के लिए इसको भी मैंने डाला, इससे भी कुछ नहीं होता है। इसका मोटर दिखा रहा हूँ, तेल कम आ रहा है, देखो पंप वाला निकाला और चालू करूंगा, ये देखो तेल नहीं आ रहा है, ऐसा तेल नहीं आता, रुक के तेल आ रहा है, इसी वजह से मिसिंग कर रहा है। फिर हम नया डालते पंप, फिर आपको दिखाता हूँ कैसे आ रहा है। फिर हम ये टंकी खोलेंगे, यहाँ से जेक है निकालेंगे, इधर दिखाओ नीचे, ये दो जेक है, एक ये एक फ्यूल गेज का, ये मोटर का, फिर हम इसको बाहर निकालते हैं, ये मोटर हम फिट करेंगे, इसको खोलेंगे 5 नंबर एलिंकी से, छोड़ दिया था, ये भी लगा दिया, नए में नहीं आता है, यहाँ पे आता है, तार घूम जाएगा इधर भी, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये वाला नीचे का साइड आ रहा लॉक होता है, ये पत्ती इसमें फंसेगा, फिर ये नीचे की तरफ रहेगा, फिर हम लेंगे कस देंगे, टाइट करेंगे, हमें लेंगे फंस के टाइट करेंगे फुल, क्या हो रहा है, ये फ्यूल का कत लगा है, ये हमने लगाया, बैठ बैठ, देखो हमने मोटर लगाया दोस्तों, ये देखो अब कितना तेल फेंक रहा है, रुक मत रहा है, एक बार भी ये देखो तेल रुक नहीं रहा, पूरा तेल आ रहा है, हम फिर करेंगे, फिर अभी देखो दोस्तों अभी स्टार्ट करेंगे, पहले बंद हो जा रहा था, अब मिस कर रहा था, देखो पूरा इसलिए मिस नहीं, पूरा इसलिए लेने से भी मिस नहीं हो रहा, गाड़ी बंद भी नहीं हो रहा, इसका पंप खराब हो जाता है अक्सर, या तो टीपीएस सेंसर खराब होता है, ये वाला यहाँ ऐसा होता है, इसी तरह से स्लो कर सकते हो कि पंप में तेल आता है कि नहीं आता, वहाँ से आप देख लोगे। देखो हम खोलते हैं, देखो कैसे पता चलेगा उसमें कितना कमा रहा था, ये देखो ऐसे चेक करोगे हमेशा तेल लगातार गिरना चाहिए, फिर बंद होना चाहिए, फिर आ जाएगा ये बरोबर, फिर हो जाता है। अब कैसे ठीक करोगे, ऐसे ही देखोगे आप, चेक करोगे किसी का देखो, ये बंद हमने भी चेक किया था, सेंसर भी किया था, नहीं हुआ है, सिर्फ पंप डाला, फिर ये मोटर पंप डाला, हमने ठीक हो गया, ये रहा हमारा पंप, कभी भी इसमें खराबी हो जाता है, इसमें तेल अच्छे से नहीं मिल पाता है, आप इसी को चेंज पहले देख लिया करो, फिर चेंज कर दिया करो। ये 3538 रुपये का आता है ये पंप, और वो सेंसर है 968 रुपये का आता है, आप इसको चेंज कर दिया करो, ये ठीक हो जाएगा बाइक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो।